हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 25 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर हूँ, इसके साथ साथ मैं एक इंडस्ट्री का मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ और 4 साल से टीचिंग में हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। रसिया है सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट NPP अकेडमिक लोमोनसोव, ए सब्सिडायरी ऑफ रोस्टोम न्यूक्लियर कॉरपोरेशन स्टेट। रिएक्टर्स ऑफ द फ्लोटिंग एटॉमिक ब्लॉक वर लॉन्च्ड इन नवंबर 2018। रूस ने रसाटोमिक कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी अकादमिक लोमोनोसोव के दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है। फ्लोटिंग एटॉमिक ब्लॉक के रिएक्टर नवंबर 2018 में लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज अनाउंस्ड दैट ही वुड नेम ए न्यू कम्युनिटी इन द गोल्डन हाइट्स आफ्टर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द डिस्प्यूट एरियाज एज इजरायली टेरिटरी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गोलान हाइट्स में एक नए समुदाय का नाम रखेंगे। ट्रंप ने आधिकारिक रूप से विवादित क्षेत्र को इजराइल क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया हैज रिलीज्ड ए स्पेशल कमोमेटिव स्टाम्प ऑन द थीम ऑफ रामायणा टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी की है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचारों की। स्टेट ओवंड अलाहाबाद बैंक स्टेट दैट द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल बाय 5,000 करोड़ रुपीज टू 8,000 करोड़ रुपीज। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द बैंक। राज्य के स्वामित्व वाले इलाहाबाद बैंक ने कहा है कि सरकार ने अपनी अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने बैंक की अधिकृत पूंजी में वृद्धि की है। नेक्स्ट, द टोटल डिपॉजिट्स इन जन धन अकाउंट आर सेट टू 1 करोड़ रुपीज 1,00,000 करोड़ सून। द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014 बाई द मोदी गवर्नमेंट विद एन एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एसेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज टू ऑल हाउस होल्ड्स। जनधन खाते में कुल जमा राशि जल्द ही 1,00,000 करोड़ रुपए के पार जाने को तैयारी है। 28 अगस्त 2014 को मोदी सरकार द्वारा सभी घरों में बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति की। उदय कुमार वर्मा, ए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोकॉम सेक्रेटरी जनरल। He had succeeded D.S. Rawat, who held the position for nearly 14 years. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त एवं पूर्व नौकरशाह उदय कुमार वर्मा ने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने D.S. Rawat का स्थान लिया था।
जिन्होंने लगभग 14 वर्षों तक इस पद को संभाला था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज की बात की जाए तो स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। वर्ल्ड नंबर वन बजरंग पूनिया वॉन गोल्ड एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन चाइना जियान। ही डिफीटेड कजाकिस्तान्स सियाटबैक ओकस्वा इन ए नेल बिटिंग 65 kg मैंस फ्री स्टाइल फाइनल। इट इज बजरंग सेकेंड गोल्ड एट द चैंपियनशिप हैविंग वॉन इन 2017। प्रवीण राणा सिक्योर्ड ए सिल्वर मेडल। सत्यव्रत कैडियन पिकड ए ब्रॉन्ज मेडल डिफीटिंग होबिन गुआओ ऑफ चाइना। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने चीन के जियान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कजाकिस्तान के सियातबेक ओकासोव को 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल फाइनल में हराया। यह इस चैंपियनशिप में बजरंग का दूसरा स्वर्ण है। पहला स्वर्ण उन्होंने 2017 में जीता था। प्रवीण राणा ने एक रजत पदक हासिल किया और सत्यव्रत कादियान ने चीन को हाओबिन गांव को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।